गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट मैथ्स है। यूनिट 6 आपका शुरू हो गया, प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबर्स से खेलना। किस तरह से हम नंबर्स से खेल सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले रिमेंबर वाला जो है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपुल ऑफ वन। कोई भी नंबर जो है वो मल्टीपुल होता है किसका, वन का। एवरी नंबर इज अ मल्टीपुल ऑफ इटसेल्फ। और कोई भी नंबर जो है वो मल्टीपुल होता है अपने आप का। द स्मॉलेस्ट मल्टीपुल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ एंड देयर इज नो लार्जर मल्टीपुल ऑफ नंबर। स्मॉलेस्ट जो मल्टीपुल होता है किसी भी नंबर का वो खुद का नंबर होता है। एंड देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपुल ऑफ अ नंबर। और कोई भी लार्जेस्ट जो है वो मल्टीपुल किसी भी नंबर का नहीं हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले फैक्टर समझ लीजिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड द नंबर लिविंग नो रिमाइंडर। देखिए, फैक्टर निकालने के लिए अगर उस किसी भी नंबर, अगर उस नंबर से कोई नंबर जो है जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, उसी को हम फैक्टर कहते हैं। अगर एक नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर वन को हम सिक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो वन को सिक्स से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया, उसका फैक्टर, वन क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फिर वन जो है वो सब नंबर का फैक्टर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ वन, इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्रत्येक नंबर का वन जो है वो फैक्टर होता है, यानी कोई भी नंबर आप लीजिएगा वो वन से कट जाएगा। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और कोई भी नंबर जो है वो अपने आप से भी कटता है। अगर सिक्स को आप लीजिए तो सिक्स वन से भी कट जाएगा, सिक्स जो है वो टू से भी कट जाएगा, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब जब आप उसको डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, और सिक्स जो है वो अपने आप से भी कट जाएगा। टू को लीजिए, टू वन से भी कट जाएगा, टू अपने आप से भी कट जाएगा। थ्री जो है वन से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा। तो जो भी नंबर होता है वो अब खुद से भी, खुद का भी, खुद से भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। एवरी नंबर एक्सेप्ट वन हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर। वन को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होते हैं कम से कम उसका दो फैक्टर होता है। यानी टू को आप ले लीजिए, वन को छोड़ दीजिए, टू को आप ले लीजिए, वन को छोड़ना है और टू को कम से कम दो फैक्टर होता है। यानी टू को अगर हम लेते हैं तो वो वन से भी डिवाइड हो जाएगा और टू अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका टू फैक्टर हो गया। वन एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर जो है वन से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो कम से कम दो फैक्टर होता है, और फैक्टर तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे दिया है कम से कम एक नंबर का दो फैक्टर होता है। टू देखिए, वन से कटेगा, टू से कटेगा। थ्री आप देख लीजिए, वन से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी थ्री थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका दो फैक्टर हो गया। फोर को लीजिएगा तो वन से कटेगा, टू से कटेगा और फिर फोर अपने आप से कटेगा, यहाँ पे तीन उसका फैक्टर हो गया। इसी तरह से आपको निकाल लेना है। अ नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर। एक नंबर के पास जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ही हो सकते हैं, यानी उसके पाँच फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके छः फैक्टर्स हो सकते हैं, दस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक लिमिटेड नंबर में ही फैक्टर निकलता है। टू फाइंड फैक्टर एंड मल्टीपल्स ऑफ नंबर। मल्टीपल्स देखिए क्या बोलते हैं, जिसका भी मल्टीपल्स कर रहा है उतना टाइम आप उसको क्या करिए, उसका गुना कर दीजिए, यानी उसका उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर फाइव का मल्टीपल्स कर रहा है फाइव टाइम, तो फाइव का टेबल आप फाइव टाइम्स पढ़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। अब फैक्टर में देख लीजिए, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ 60। अब फैक्टर बोल रहा है 60 का निकालने के लिए, यानी 60 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। देखिए, 61 से डिवाइड हो सकता है, 60 को जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 62 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 को जब आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 66 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 60 को देख लेना है किसके किसके टेबल में 60 आता है, और ये सारा जो है उसका फैक्टर हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।